हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान चीन के बीच में परमाणु करार हो गया है। दोस्तों बड़ी डील साइन कर ली गई है आपस में। बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे, जिसके बाद इजरायली विशेषज्ञों ने भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा गया विशेषज्ञों की तरफ से, और क्या है इस परमाणु डील में। दोस्तों किस चीज को लेकर ये परमाणु करार किया गया, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है। दोस्तों साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर क्वाड समिट से जुड़ी खबर, शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI के दिन पूरे हो गए, भारत अमेरिका ने ढूंढ ली है अब इसकी काट। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या प्लानिंग है दोस्तों भारत और अमेरिका की, और इस BRI प्रोजेक्ट को कैसे चोट पहुंचाया जा सकता है, बड़ी खबर। साथ ही अगली खबर में बताएंगे आपको, जहां पर चीन से लिए गए अटैक ड्रोन ऑपरेशनल ही नहीं है दोस्तों, मिशन पर भेजते ही हो गए खराब, बड़ी खबर आ रही है। बताएंगे पाकिस्तान रोते बिलखते अब चाइना को वापस लौटा रहा है ये अटैकिंग ड्रोन। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर, बताएंगे पूरी जानकारी देंगे आखिर कब खरीदा गया और क्या है इसकी दिक्कत, उससे आगे आपको बताएंगे। जहाँ पर भारत के दौरे पर आ रहे हैं सऊदी अरब के ये नेता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहाँ पर न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम का दौरा रद्द हुआ तो पाकिस्तान ने बोला हमारे खिलाफ रची गई है बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी साजिश का खुलासा करते नजर आए दोस्तों, रोते बिलखते गिड़गिड़ाते साजिश को अपनी गलतियों का कारण बना रहे। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा गया है इस पाकिस्तानी नेता की तरफ से। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे, जहाँ पर काबुल एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने मांगी है सबसे माफी। जी हाँ दोस्तों, निर्दोष लोग मारे गए, अमेरिका ने पता लगाया एक भी आतंकवादी अमेरिका के एयर स्ट्राइक में नहीं मारा दोस्तों, सारे के सारे निर्दोष मारे गए, बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे अमेरिका का क्या रहा रिएक्शन। साथ ही बताएंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने दे दी है पूरे विश्व को बड़ी चेतावनी, क्या चेतावनी है दोस्तों इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर इस्तीफा देते हुए सिद्धू पर भड़क उठे कैप्टन अमरिंदर सिंह और कह दी बड़ी बात, क्या कहा है बताएंगे आपको। साथ ही दोस्तों इस पार्टी के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है दोस्तों, पंजाब को लेकर बताएंगे किस पार्टी के इस नेता ने ये जवाब दिया है दोस्तों अमरिंदर सिंह को लेकर। साथ ही योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैसला, बताएंगे क्या फैसला लिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर लोगों को खूब भा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना, निवेश करने पर हर महीने होता है 5,000 का फायदा, बताएंगे कौन सा स्कीम है दोस्तों, क्या नाम है इस स्कीम का, हर तरह की खबर बताने वाले दोस्तों आज आपको, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान चीन परमाणु करार को लेकर खबर, दुनिया में बढ़ेगी हथियारों की होड़, इजरायली विशेषज्ञ ने बताया है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। बता दे पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग यानी PAEC और चीन के झोन ज्ञान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी JEC ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए इसी महीने एक समझौता किया है दोस्तों। इन समझौतों से क्षेत्र में मौजूद परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका जताई गई है। इजरायली विशेषज्ञ फेवियन बसार्ट ने भारत के लिए इसे सबसे खतरनाक समझौता बताया है दोस्तों। द टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित अपने लेख में बसार्ट ने कहा है कि यह समझौता भारत के लिए चिंता और चुनौतियां पैदा कर सकती है। चीन व पाकिस्तान ने इसी साल 8 सितंबर को यह समझौता किया है, इसकी रूपरेखा 20 अगस्त को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में बनाई गई थी दोस्तों। समझौता 10 साल के लिए वैध होगा, इसके तहत पाकिस्तान में परमाणु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, यूरेनियम का खनन और संवर्धन है दोस्तों, परमाणु ईंधन की आपूर्ति भी है और अनुसंधान रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। बता दें इस समझौते को चीन के लिए पाकिस्तान में हथियारों का नया जखीरा तैयार करने की रणनीति माना जा रहा है, ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। समझौते में पाकिस्तान के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और रखरखाव के लिए चीन के व्यापक सहयोग की शर्तें भी समझौते का हिस्सा है दोस्तों। बता दें कि पाकिस्तान में 4 नए परमाणु संयंत्र तैयार किए गए हैं दोस्तों, इनमें से 2 कराची में और 2 मुजफ्फरगढ़ में है, इन्हें चीन की तकनीक व सहयोग से तैयार
इनकार किया गया है दोस्तों। ऐसे में इस डील को भारत के लिए दोस्तों बड़े ही खतरे के रूप में अन्य दुनिया देख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे में, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों को भी सपोर्ट करता है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बना दी और अब परमाणु डील करके ये जताना चाहता है कि मैं हर तरह से सर्वगुण संपन्न हूँ और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं भारत डरने वाला नहीं, करारा जवाब मिलेगा तो कमेंट में रिटेलिएट करेगा इंडिया बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट करके। बात करें अगली खबर की, यानी दूसरी खबर की, जहाँ शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब BRI के दिन हुए पूरे, क्योंकि भारत अमेरिका ने ढूंढ ली है इसकी काट। बता दे चीन की आक्रामक विस्तारवाद को रोकने के लिए बने क्वाड ने शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की काट ढूंढ ली है दोस्तों। अगले हफ्ते वॉशिंगटन DC में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बड़ा ऐलान होने की संभावनाएं हैं। इस मुद्दे को लेकर क्वाड के सभी सदस्य देश 24 सितंबर को जारी होने वाले अपने घोषणा पत्र की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें इस बीच 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले PM नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। इसे मोदी जो बाइडेन शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने बैठक करेंगे। हालांकि पहले ये योजना बनाई गई थी कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक 23 सितंबर, क्वाड शिखर सम्मेलन 24 सितंबर और संयुक्त राष्ट्र महासभा में PM मोदी का संबोधन 25 सितंबर को होगा, लेकिन अब 23 सितंबर वाले प्लान को 24 सितंबर को ही प्रस्तावित कर दिया गया है। और ऐसे में अफगानिस्तान से वापसी के बाद से अमेरिका अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका की खाली जगह चीन ने ले ली है। इसका सीधा प्रभाव वर्ल्ड ऑर्डर पर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे जो बाइडेन प्रशासन अब हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर जोर लगा रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौते का अंजाम दिया था। और ऐसे में क्वाड के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का प्रमुख लक्ष्य चीन के BRI को उसके पैसों को लेकर मात देना है। क्वाड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान चीन के BRI के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। शुक्रवार को SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने भी कहा था कि सभी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव परामर्शी पारदर्शी और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता के लिए उचित सम्मान के साथ लागू होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब चीन के BRI को मात देगी ये इनिशिएटिव। बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्टिंग, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग, जहाँ पर मोदी और जो बाइडेन ने चीन के इस प्रोजेक्ट की काट को ढूंढ करके दोस्तों दिखा दिया है कि हमसे कोई नहीं बच सकता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर चीन से लिए अटैक ड्रोन ऑपरेशनल मिशन पर भेजते ही हुए खराब, पाकिस्तान ने लौटाए वापस। बता दे चीन के बारे में कहा जाता है कि उसके वादे और उसके सामान कभी खरे नहीं उतरते। इसका सबसे बड़ा स्वाद सबसे पहले चीन के करीबी दोस्त पाकिस्तान ने ही चख लिया। दरअसल चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य ताकत मुहैया करा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाला सामान या तो बेहद पुराना होता है या कबाड़ होता है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अटैक ड्रोन दिए थे जिनका काम बड़ी मिसाइल को ले जाकर पिन पॉइंट पर अटैक करना था। चीन ने इसी साल जनवरी में विंग लूंग सेकंड UCAV यानी मानव रहित कॉम्बेट एरियल व्हीकल पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन 6 महीने में इनमें खराबी आ गई। जानकारी के मुताबिक चीन के दिए गए ड्रोन को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशनल मिशन पर भेजा तो ये बीच में ही खराब हो गए और इसके बाद अभी तक खराब ही पड़े हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को जनवरी 2021 में करीब 4 अटैक विंग लूंग सेकंड USV दिए थे जिससे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया था। पाकिस्तान का मकसद था बलूचिस्तान में अमेरिका की तरह टारगेट मिशन को अंजाम देना और सीमा पर भारत की अग्रिम पोस्ट को टारगेट करते हुए आतंकियों के लिए सेफ प्रेसिज बनाना। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान का प्लान काम नहीं आया दोस्तों। चाइना ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान आंख तक नहीं दिखा सकता चाइना को, क्योंकि कर्ज में जो डूबा हुआ है दोस्तों, ऐसे में बहुत बुरी स्थिति पाकिस्तान की होती नजर आ रही है दोस्तों। अपना गुस्सा तक जाहिर नहीं कर सकता ऐसे में। अगर आप भी मानते अगर ये बेशर्मी आ जाए तो डूब के मर जाना चाहिए इमरान खान जैसे नेताओं को। सुझाव राय आपकी क्या होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत दौरे पर आ रहे हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल, PM मोदी से करेंगे मुलाकात और अफगानिस्तान पर होगी बात। बता दे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन
बिन रहमान सल साउथ तीन तीन दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फैसल 18 सितंबर की रात नई दिल्ली पहुंचेंगे और 20 सितंबर की रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। प्रिंस फैसल विदेश मंत्री के रूप में अपनी बार भारत पहुंच रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा, क्योंकि भारत में मेहमानों चाहे दुश्मन क्यों ना हो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी होती है। दोस्तों हमारा ये नियम है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर न्यूजीलैंड ने क्रिकेट दौरा रद्द किया तो पाकिस्तान बोला हमारे खिलाफ बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने दावा किया है कि न्यूजीलैंड के पाकिस्तान दौरे को रद्द करने के पीछे एक बड़ी साजिश है। न्यूजीलैंड की टीम 2003 के बाद पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर मैच खेलने के लिए आने वाली थी, लेकिन सरकारी सुरक्षा अलर्ट के बाद न्यूजीलैंड ने दौरे को रद्द कर दिया है। दोस्तों 17 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए शेख राशिद ने साजिश के लिए जिम्मेदार देश का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा है कि ये क्षेत्र में शांति के लिए हमारे कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड के सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों से बात की और उन्हें खतरे को लेकर बताया, लेकिन जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने खतरे के बारे में ब्यौरा मांगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा फैसला करते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। बता दें न्यूजीलैंड दौरा रद्द को किए जाने के पीछे भारतीय साजिश को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि नाम मुझे ठीक नहीं है कहना, हम जिम्मेदार देश है, हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं, हम क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ये पाकिस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखा दोस्तों आपने, हर बात पर उनको लगता है कि साजिश ही रची गई है दोस्तों, लेकिन उनको नहीं पता कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि कोई तुम्हारे देश नहीं जाना चाहेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो ये बात कमेंट में पाकिस्तान को जरूर लिखकर बता दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो सीरियर ब्लास्ट से खबर आ रही है, जहां जलालाबाद में तालिबानी काफिलों पर बड़ा हमला, 3 की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर में तालिबानी लड़ाकों के वाहन पर सीरियल ब्लास्ट करने की खबर आ रही है। सिलसिलेवार हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल होने की सूचना है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंगरहार प्रांत के अस्पताल प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक इसमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल है, फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर काबुल एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने मांगी माफी, बोला गलती से आतंकियों की जगह निर्दोष को मार दिया। जी हां दोस्तों, आखिरकार अमेरिका ने स्वीकार कर ही लिया कि काबुल हमले का बदला लेने की जल्दबाजी में उससे निर्दोष लोगों को मारने की गलती हो गई है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने ड्रोन हमले के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं और हम इस भयानक गलती से सीखने का प्रयास करेंगे। हमारी सहयोगी वेबसाइट वायोन में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में शुक्रवार को जनरल केनेथ मैकेंजी ने ये बात कही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक में निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और पीड़ित परिवारों से माफी मांगते। उन्होंने कहा कि हमला इस विश्वास के साथ किया गया था कि आतंकियों को नुकसान पहुंचाकर रेस्क्यू मिशन जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, लेकिन ये एक गलती थी और मैं माफी मांगता हूं। अगर आप भी मानते हैं कि माफी के लायक नहीं है दोस्तों ये लोग, क्योंकि जल्दबाजी में आम नागरिकों की हत्या करना, जो निर्दोष और जिन्होंने कभी आतंक के बारे में सोचा नहीं है दोस्तों, जो अपने घर गृहस्थी में लगे और ऐसे नागरिकों को मार देना, बहुत बड़ा गलती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसकी माफी नहीं हो सकती तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना सकती है दोस्तों, इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नया नाटक, पाकिस्तान के खिलाफ 3 आतंकी संगठन कर रहे हैं अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल, कहा पीएम इमरान खान ने। जी हां दोस्तों, तालिबान के लिए दुनिया से मदद मांग रहे इस पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अब नया पैंतरा चल दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने किरकिरी के बाद उन्होंने शुक्रवार को बयान दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग किया जा रहा है और 3 आतंकी संगठन वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय हैं। इमरान खान ने यह बयान ताजिकिस्तान के दुशांबे में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। दोस्तों ये नया ड्रामा फिर शुरू कर दिया गया इमरान खान की तरफ से। बात करें अगली खबर की तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चेतावनी, कहा दुनिया पर मंडरा रहा है बड़े युद्ध का
खतरा चीन की हरकतों के चलते होगी बहुत बड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, चीन की दादागिरी के चलते एक बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार कर लिया है कि चीन के साथ युद्ध हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा है कि जिस तरह का रुख चीन अपना रहा है उससे युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। चीन इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और ब्रिटेन को भी उसमें घसीट सकता है। डटन ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान के मसले पर रूस ने फिर साधा अमेरिका पर निशाना। कहा, जल्दबाजी में नहीं बल्कि बचकर भागे हैं ये अमेरिकी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस का मानना है कि अमेरिका जिस तरह इस देश को छोड़कर बाहर निकला, यानी अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकला, वो जल्दबाजी में कराई गई निकासी कम और बचकर भागना ज्यादा लगता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि उनके मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर भागा था, ना कि जल्दबाजी में निकला है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, क्या इनकी बात को सपोर्ट करते हैं? दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सही में अमेरिका जल्दबाजी में नहीं बल्कि जल्दबाजी में अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की है दोस्तों, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो अफगानिस्तान में बड़ी सेंधमारी करने में जुटे चीन और पाकिस्तान चौपट अर्थव्यवस्था में तलाश रहे हैं अपना फायदा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चीन और पाकिस्तान की नजर देश के संसाधनों पर है, यानी रिसोर्सेस पर है। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने की जल्दी में है। इससे आने वाले भविष्य में दोनों मुल्कों को खास फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पीओके से घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी के बाद बीएसएफ ने आईबी पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पीओके में स्थित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सुरक्षा कर दी है, जिसमें पिछले 3 महीनों में 100 से अधिक प्रयास किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो ऑकस के तहत पनडुब्बी डील पर भड़का फ्रांस, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब जो एक्शन लिया गया है दोस्तों फ्रांस की तरफ से, उन्होंने यूएस ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है दोस्तों, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। बड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों फ्रांस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि पहली बार कदम उठाने का मतलब है सबसे बड़ा दिल जला है दोस्तों फ्रांस का और यूएस ऑस्ट्रेलिया के इस संबंध को देख करके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की तालिबान सरकार से बातचीत शुरू। बोले इमरान खान, ताजिक, हजारा और उज्बेक समुदाय को शामिल करने पर चर्चा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से खबर, जहां रिपब्लिकन पार्टी में जो डोनाल्ड ट्रंप चाहे वही होगा, समर्थकों ने आयोजित की है इसको रैली। बता दें वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने फिर से अपनी रैली आयोजित करके ये संकेत दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में उनका भरोसा अडिग है। ये रैली बीते 6 जनवरी को कैपिटॉल हिल यानी अमेरिकी संसद भवन पर हुए ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद गिरफ्तार लोगों के समर्थन में आयोजित की गई है। 6 जनवरी की घटना के सिलसिले में 600 से ज्यादा ट्रंप समर्थकों पर मुकदमा चल रहा है। ट्रंप समर्थकों ने यह रैली जस्टिस फॉर जनवरी 6 के बैनर तले आयोजित की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, कोरोना का रास्ता बंद कर देगी नेजल स्प्रे वैक्सीन। 3 सेकंड का फेज ट्रायल पूरा हो गया है दोस्तों, 8 पर रिसर्च अभी बाकी है। बता दें क्या नाक के रास्ते दी गई वैक्सीन संक्रमण और ज्यादा बेहतर कारगर होगी, इसी संभावना को लेकर दुनिया भर में कई वैक्सीनों पर काम चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कुल 8 ऐसी दवाओं पर फिलहाल रिसर्च चल रही है। इसमें चीन की शियामेन यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी और बीजिंग की बांताई बायोलॉजिकल फार्मेसी की दवाओं का सेकेंड फेज ट्रायल हो चुका है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इस्तीफा देकर सिद्धू पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, वो पाकिस्तान और इमरान खान और बाजवा के साथ है दोस्तों, कभी भी भारत पर खतरा हो सकता है। मैं किसी भी कीमत पर सिद्धू को पंजाब का सीएम बनते नहीं देखना चाहूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। आपको बता दे दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी उठा पटक के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू पाकिस्तान और बाजवा के साथ है, वे उन्हें सीएम पद के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में हमारे जवानों की हत्या करता है, उसी पाकिस्तान के साथ सिद्धू के
संबंध है, वो बाजवा और इमरान खान का दोस्त है। ये रिश्ता देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अगर सीएम पद के लिए सिद्धू का नाम आगे बढ़ाया तो देश की सुरक्षा को देखते हुए मैं इसका विरोध करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा कर दे दिया है। दोस्तों ऐसे में इनका सीएम पद से इस्तीफा और सिद्धू को ना बनने देने सीएम को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, ये पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सत्ताधारी दल में महीनों से चल रही खींचतान के बाद जिस प्रकार से अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुर्सी की लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा प्रदेश के शासन को उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग इनके सवाल जवाब को लेकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जो अपने रामलला को लेकर खबर आ रही है, जहां मंदिर निर्माण के लिए आया 115 देशों का जल और 77 देशों से आना बाकी रह गया है। दोस्तों राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कहा, इससे करेंगे अपने रामलला का अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम 3 जरूर लिखिएगा। दोस्तों बात करने अगली खबर की तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र होगी 70 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, बता दे डॉक्टरों की रिटायरमेंट पहले 65 थी, उससे बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी जाएगी। योगी सरकार वर्तमान में कोरोना और अन्य बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में ये सबसे बड़ा फैसला कर रही है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो अमित शाह ने जबलपुर में की है उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। बोले, कांग्रेस ने गरीबों से सिर्फ छलावा किया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी बात का आप समर्थन करते हैं नहीं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो लोगों को खूब भा रही है अटल पेंशन योजना। निवेश करने पर हर महीने होता है 5,000 का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA की प्रमुख पेंशन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या इस साल 31 अगस्त तक 33.20% बढ़कर 304.51 लाख पर पहुंच गई है। योजना के तहत प्रबंधनाधीन संपत्ति 18,059 करोड़ रुपए रही, जबकि एक साल पहले इस 33% कम थी। दोस्तों ऐसे में बता दे अटल पेंशन योजना को 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है जिसके पास बैंक खाता है। ये 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। दोस्तों हमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दे दी है, कैसे आप पेंशन योजना खुलवा पाएंगे, कितना योगदान चाहिए, दोस्तों हर तरह की चीजें हमने दिखा दी, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम तुरंत आपको इससे जुड़ी रिप्लाई देने वाले हैं। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।